SC/ST एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरे बहुजन समाज में आक्रोश है, तो वहीं बीजेपी में शामिल बहुजन सांसदों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। यूपी में बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले से शुरू हुआ सिलसिला चौथे बहुजन सांसद की नाराजगी तक पहुंच चुका है। ताजा मामले में नगीना से बीजेपी सांसद यशवंत सिंह ने मोदी सरकार से नाराजगी जताई है। यशवंत सिंह ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और बहुजन के हितों की आवाज बुलंद की है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी ओर से 4 साल में 30 करोड़ की आबादी वाले SC/ST वर्ग के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं किया गया। बैकलॉग पूरा करना, प्रमोशन में आरक्षण बिल पास करना, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दिलाने जैसी तमाम मांगे पूरी नहीं की गई है। यशवंत के अनुसार आरक्षण के कारण ही वो सांसद बन पाए हैं। उन्होंने बताया कि सांसद बनने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से मांग की थी कि प्रमोशन में आरक्षण बिल पास कराया जाए। हालांकि ये मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। नाराजगी जाहिर करते हुए यशवंत ने कहा कि आज बीजेपी के बहुजन सांसद प्रताड़ना के शिकार बन रहे हैं, जनता को कई मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यशवंत सिंह ने मांग की है कि मोदी सरकार SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवाए, साथ ही बैकलॉग पूरा करे, प्रमोशन में आरक्षण बिल पास हो और प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज।